सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है। ECGC PO का नोटिफिकेशन कुछ ही टाइम में आउट होने वाला है, तो उसकी स्ट्रैटेजी की काफ़ी मांग हो रही थी। तो आप सबके लिए ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ विथ वॉट अबाउट द पेपर पैटर्न और जो भी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है नोटिफिकेशन में, वो भी आपको बताऊँगी, प्लस स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊँगी। कट ऑफ क्या जाता है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। तो इसका नोटिफिकेशन आने की जितनी संभावना है वो है मार्च एंड में। इसका जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और एक इंटरव्यू होता है। तो रिटन एग्जाम जो है वो आपका हो सकता है मई के सेकेंड या थर्ड वीक में। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अभी आपका फेब्रुअरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब लगभग आपके पास 3 महीने हैं। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप काफ़ी टाइम है, 3 महीने काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप तैयारी आज से शुरू करते हैं तो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे नंबर से। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो इसका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न इसका एक तो रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव में 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। दोनों साथ में होंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, GA आएगा और आपका कंप्यूटर आएगा। जो रीजनिंग और मैथ्स है वो 50-50 मार्क्स का रहने वाला है, 40-40 मिनट्स आपको मिलेंगे। इंग्लिश में आपको 40 मार्क्स का है, 30 मिनट्स मिलेंगे। GA 40 मार्क्स का है लेकिन 20 मिनट्स मिलेंगे। और साथ में कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का है जिसमें आपको 10 मिनट्स मिलने वाले हैं। ओवरऑल आपका 140 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे 20 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 200 नंबर का ये पूरा रहेगा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ क्लियर करेंगे तब जाके आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। तो कई सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि डिस्क्रिप्टिव में उनके 0 क्यों आए, तो उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ क्लियर होगा तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होता है। डिस्क्रिप्टिव आपका 20 मार्क्स का एसे रहेगा, 20 मार्क्स का प्रेसी रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट मिलेंगे। टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए अच्छा खासा मिलता है और मार्क्स का जो वेटेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। एग्ज़ाम लेवल जो है, कोई भी PO लेवल एग्ज़ाम का आप जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसके बीच का लेवल आप मान सकते हैं। ना मेंस जितना टफ होता है ना प्रीलिम्स जितना इजी होता है, तो बीच का लेवल आप मान के चलिए, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है, इतना टफ नहीं है। मेंस जैसा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, घुमा देने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैथ्स रीजनिंग का इतना अच्छा वेटेज है, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, थोड़ा सा इंग्लिश को आपको ब्रश करना रहेगा, GA के को करना पड़ेगा, आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और इसमें इंटरव्यू का जो पोर्शन है वो आपका 60 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, 300 नंबर में से आपकी कट ऑफ फाइनल जाएगी, मतलब 240 आपके ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम का वेटेज है और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू का वेटेज है। मतलब अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं तो इंटरव्यू में थोड़ा कम भी करेंगे तो भी आप इसे क्लियर करके ले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट 2 साल से मैं एग्ज़ाम को दे रही हूँ, तो मैं दोनों साल का कट ऑफ आपको बता देती हूँ। 2021 में 147.25 इसका कट ऑफ गया था और 2022 में इसका कट ऑफ 141 गया था। पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था। इसमें अगर मैं अपना स्कोर बताऊं तो 2021 में 146 मेरा आया था स्कोर और मेरा रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, एक नंबर के चलते 1.25 से नहीं हो पाया था। और 2022 में मेरा स्कोर 150.5 रहा जिसमें मेरा क्वालिफाई हो गया था, मैंने इंटरव्यू में भी अपीयर किया था। तो उसके एक्सपीरियंस से ही मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कितना आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ।
बात करते हैं स्ट्रेटजी पे। तो स्ट्रेटजी में आपका रीजनिंग और क्वांट्स का अच्छा खासा वेटेज है। तो रीजनिंग और क्वांट्स को लगभग आपको डेढ़ डेढ़ घंटा रोज देना चाहिए। ये आपको अपने हिसाब से देखना है। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा। मैथ्स में थोड़ा आपका वीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। इस तरीके से आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए। 50-50 क्वेश्चन है, 40-40 मिनट है, मतलब लगभग आपके पास एक मिनट रहने वाला है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश आपकी ऐसी है कि अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप इंग्लिश को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ के। एडिटोरियल्स पढ़ना है और मॉक टेस्ट लगाना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना रहेगा आपको। इंग्लिश में आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 30 मिनट में आपको इंग्लिश करनी होगी। इंग्लिश में टाइम बच ही जाता है तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्पीड पे काम करना होगा क्योंकि आपको 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने रहेंगे। इसके बाद जीए की बात करें तो 40 क्वेश्चंस की जीए भी आती है, तो लास्ट के 4 से 5 महीने का करंट आपको अच्छे से कर लेना है। लास्ट के 2-3 महीने का तो एकदम अच्छे से रट के चले जाना है, और उसके पीछे जैसे जैसे जाते जाएं तो आप थोड़ा कम भी, मतलब एक रीडिंग भी मारेंगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट के 2-3 महीने में आपको 2-3 रीडिंग्स लेके जानी है। इसके अलावा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में तो आप कोई भी एक वीडियो भी देख सकते हैं। कई सारे वीडियोज आते हैं MCQs वाले फॉर्मेट में, MCQs लगा सकते हैं कई सारे इसमें। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 20 नंबर का कंप्यूटर है और इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है इसमें। सेक्शनल कट ऑफ, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ का पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इसमें, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों में आपको टाइम की कमी नहीं आएगी, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स आपका 100 नंबर का है सीधा सीधा, तो इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। जो भी टॉपिक्स आपके नहीं हुए हैं, जैसे कई सारे बच्चों का पहले से ही अच्छा खासा बेस बना रहता है, तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जो एक आध टॉपिक नहीं आ रहा है उसका आपने अलग से वीडियो देख लिया। बाकी जो न्यू है, एकदम बिगिनर है, नई प्रिपरेशन में आए हैं, तो उनको अच्छे से अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, कंप्यूटर का, सबका सिलेबस आपको अच्छे से कर लेना है और फिर आपको प्रैक्टिस में कूदना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके किस में आप वीक हैं, किस में अच्छे हैं, उस हिसाब से ही अपनी तैयारी को आप शेप कीजिए। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट वगैरह आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहती हूँ और कोशिश करूँगी और अच्छा आपको मटीरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।